हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस, आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। आप ऐसी सर्दी में लंबी लगती है ना वीडियो कई बार। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है खादिम हुसैन रिजवी जी का एक बयान है, वेरी इमोशनल बयान है इनका। ये खादिम हुसैन रिजवी जी को आप प्यार भी बहुत ज्यादा करते हो और हमने इनकी मतलब एक या दो वीडियो जब बनाई है, सो हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि आप इनकी और वीडियोस पे रिएक्शन दो। उससे पहले गाइज, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 करें और वीडियोस को ढेर सारा प्यार दें ताकि हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिले। और दूसरी बात, ये सबसे मेन बात कि व्लॉग आ गया है, व्लॉग जाके देखें हम दोनों का, इसमें नया की डिमांड एक तो पूरी हो गई है, सब वो जाके देखना। सो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो को लाइक कर देना, बस ये रिक्वेस्ट आप सभी से। करें प्ले। हाँ जी, हदीस पढ़ा रहे थे गुस्ताखे रसूल, औरत जड़ी जहाज पे बैठ के चली जाए। जी मैं तो हदीस पढ़ा रहा था, वो कौन सी हदीस पढ़ा रहा था जिसमें नामूस रिसालत नहीं थी, वो मुझे बता दो। मैं हुजूर गल मैं समझा ले, मैं नहीं पढ़िया। ये अब हजरत काब बिन मालिक बिला वजह पीछे रह गए, क्यों जी? तो हजूर 50 दिन नहीं बोले उन्होंने, ये दसे होना ना उलमा ने कि हजूर नाराज होते इतने डाढ़े गुस्ताखे रसूल दंदनामे फिरन, हुजूर दा दीन जड़ा तख्ते ना आवे, सूद जड़ा सरेआम खाया जाए, मस्जिदां तो स्पीकर उतर जान, कुरान व हदीस ते पाबंदी लग जाए, मिर्ज़ियां नूं लोग बैण बिरा कहंदे रहन, ते तू की समझना तेरे ते हुजूर राजी है? जी साहबी एक बिना वजह पिछे रह गए और कोई वजह कोई नहीं, 73 जंगा विच गए काब बिन मालिक, 73 जंगा विच एक जंग पिछे रह गए, इन पिछे बस रह गया, ते हुजूर 50 दिन नहीं बोले, ते महीने तो बाद फरमाया ना दिया जिनानियां भी मेके चलिया जान, क्यों जी? ते काब बिन मालिक को जे साहबी आए ना पैगाम लेके, जी मैनू रोटी नहीं लभी, और जी मैं थोड़ी कंपेन ते चलाई लेकिन मैनू उस दिन फलाने रोटी नहीं दी। तू की दीन का काम किया, तू एक रोटी तो लड़ पिया, क्यों जी? तकरीर की थी, उस तो बाद पैसे तो लड़ पिया कि मैंने पूरे पैसे नहीं दिते, और दसो केड़ी तकरीर है जड़ी दीन फरोशी वास्ते की थी जाए, और केड़ी नाथखानी है? नाथखानी तो है ना जनाब, जड़ी का हजरत सलमा बिन हजरत आमिर बिन अकबा गजवा खैबर की तरफ जा दिया, अल्लाहुम्मा लौला अंता मा तसद्दकना वला सल्लैना, क्यों जी? अद्धी राती हुजूर दी नात पड़ी और तलवार हाथ च नप के पड़ी, सुत्या सुत्या साहबा सवारियां ते जा रहे, नाद ते ए होई ना, क्यों जी? पेट ते पत्थर बन के भी आप साहबा ने क्या होए, हम वो रसूलुल्लाह के गुलाम है जब तक जिंदा है हुजूर के पैरा देते रहे। अपने आप नु सारे बदलो, बिल्कुल अपने आप नु बदल के रख दो, उन्होंने कहा बस हुजूर की बात करो, क्यों जी? काब बिन मालिक नु पसादी आ गया, उन्होंने कहा हुजूर फरमा रहे बीवियां मेके भेज दो, ऐ मोहब्बत ये नहीं क्या दसो जी असि 73 जंगा में गए, एक च नहीं गया तो फिर की है? ऐ जड़ा फिर की है ना, ये बोली मुसलमान दी नहीं हो सकती। हाँ जी, उन्हें क्या साबी नहीं पता की गल की थी, उन्हें को ये नहीं क्या दसो जी मैं मैदाने ओ दे इतना बड़ा हुजूर दा पैरा दिता, पता है ना सब तो बड़ा पैरा मैदाने ओ दे काब बिन मालिक दिता, जद हुजूर दा जंगी लिबास पहचान लिया ना काफरा ने, ते 3000 दा लश्कर हुजूर वाल सारा रुख हो गया, क्योंकि उन्होंने तक आज भी हुजूर दी तकलीफ है कायनात च लोगन, उस वेले भी हुजूर दी तकलीफ सी, ते काब बिन मालिक आ गया, अर्ज की थी हुजूर है जेड़ा तुसी जंगी लिबास पाया ना एक काफरा पहचान लिया, मेरी आज ये खिदमत कबूल हो जाए, ऐ जंगी लिबास तुसी मैनू दे दो ते मेरा तुसी पा लो, हुजूर असी किस वास्ते हां जे काफिर तुहाडे वल टुट पवन, ते मेरे आका ने उन्हां दी खिदमत कबूल की थी। काब बिन मालिक जदों हुजूर दा जंगी लिबास पाया ते एक तरफ नस पै, उन्हें समझा हुजूर तशरीफ ले जा रहे, ते सारे 3000 बंदा उधर चला गया, उन्हें कहा बस मेरे जंगी लिबास पाण दी कीमत अज पूरी हो गई। इत्थे कहंदे नहीं जी नहीं मैं तो कोई नहीं सी, मैं तो मुमताज कादरी नाल कोई नहीं सी, तू फिर किहदे नाल सी? सलमान तहसील दा कड़ा सी, दो ही गल्लां, तीसरी तो मुनाफकत है, तू इस मुमताज कादरी नाल नहीं खड़ा सी फिर सलमान तहसील नाल खड़ा सी, क्यों जी? जी नहीं नहीं मैं तो इस जमात ना मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं, मैं तो एवं लगा एक जलसा वेखण गया सी, जेड़ा तेरे नाल गड़बड़ करे उन्हें कभी नहीं, मैं ही तो हाँ लबैक वाला राग जो करना है तू, ऐ जने वाली गल है। हाँ जी, केड़ा परचा कटना ही कट, मैं ही लबैक वाला,
तवज्जो जी, तवज्जो भाई बच्चों गल सुन। ए जदों मसला होया ना गुस्ताख औरत दा ते खबर चली जनाब के नहीं हजूर की ना लेना है मुड़ मुड़ ते खबर चली जी मौली खादिम नू गिरफ्तार करने दे आर्डर जारी हो गया। मैं मुंडे नू क्या राती मस्जिद बंद नहीं करनी, यह ना होना तकलीफ हो जाए बेचारे। मैं बल्कि थले लाया चलो मसीद दे सेने च, मैं खुद कहांगा मैं तुहाडा इंतजार कर रहे सी। मैनू कई ने कहा जेरे जमीन चले जाओ रूपोश हो जाओ, बड़ी जरूरत है तुहाडी। मैं आखा मेरी कोई जरूरत नहीं कायनात, अगर जरूरत है तो सिर्फ एक ही बात है नहीं जाना, बस इस गल साडी जरूरत है और की जरूरत है जी। गिरफ्तारी दी वारी आए तो मौली खादिम जेरे जमीन चले जा, बड़ी जुबान सारे बड़े बड़े मुखलिस भी होते बड़े पीर मेरे अली शाह साहब जो तो चलन लगे ना गोरड़े तो लोगों ने कहा हजूर मुखलिसाना मशवरा दिता, उन्हें कहा हजूर न जाओ अंग्रेज मरवा देंगे, तुम उन्होंने पौधे को खटन जा रहे हो। पीर साहब ने खुद लिखा लोगों ने मुझे मुखलिसाना मशवरा दिया लेकिन वो इखलास का माने ही नहीं जानते। ओ केड़ा मुखलिसाना मसला है कि मौली खादिम की गिरफ्तारी आर्डर होवा ते लस के अटक चला जाए। हाँ जी क्यों जी, गड्डी बदल के अटक चला जाए, लिबास बदल चिट्टी पगड़ी बन लवे, हाँ जी डिग्गी में वड़ जाए, ऐ केड़ी बात है। ओ उस कुत्ते नु भी कोई नहीं रखता कायनात है कि जिसने मालिक ते हमला होवे ते चढ़े पूछड़ी पा के ते हमसाया दे घर जा वड़े। कुत्ता भी ओही रख दे जदों मालिक वल कोई आवे ते कुत्ता ऐ तान के खड़ा होवे पहले मेरे ते आ बाद में मालिक। पता नहीं किसकी बात कर रहे थे ये ना, आई थिंक इनका ही कोई किस्सा है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक गुस्ताख औरत है ना पीछे से कहा भी किसने कि आप नाम लो है ना, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया, कहते मैं नाम नहीं लूंगा उसका बार बार है ना, पता नहीं क्या किस्सा है। कहते कि फिर वारंट आया कि खादिम को जी को है वो गिरफ्तार करो ना। सो गाइस इस किस्से के बारे में आप हमें बताना क्योंकि हमको देखना है कि कैसा क्या किस्सा है ना। बाकी बात करते हैं वीडियो के बारे में। सो ये वीडियो की बात करते कि इमाम हुसैन ने कहा कि जब मेरे नाना एक बार किससे नाराज होते हैं तो उस बंदे को दूसरी बार मुड़ के देखते भी तक नहीं है। सो सही बात है, हजूर साहब की है ना, अगर वो किसी से प्यार करते तो बिल्कुल दिल लगा के प्यार करते हैं, अगर किसी से नाराज होते बिल्कुल दिल लगा के नाराज होते हैं। और दूसरी बात ये है इनका बोलने का तरीका, इनका जो एग्रेशन है ना वो मतलब लोगों को अपनी तरफ खींचता है, हाई लेवल का है वो, बहुत सही एग्रेशन। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बंदा ये ऐसा है कि एक बात पे अपने टिक गया तो टिक गया और जो चीज सच है वो सच है, मतलब बहुत कुछ उसमें कुछ मतलब सही से बताया हो या कुछ हो चीजें है ना। सो इस करके बाकी तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके प्लीज देखो, ये रिक्वेस्ट है क्योंकि फिर हमें बहुत सारी चीजें शेयर करनी है, अपनी लाइफ शेयर करनी है आपके साथ सारी की सारी। सो बस ये ब्लॉग को प्यार करो जैसे लास्ट ब्लॉग को किया सिल्वर बटन वाले को। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में ना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।